प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के सभी घटकों ने बहुत अच्छी तरीके से ये चुनाव लड़ा है। देश भर में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जिस प्रकार से उन्होंने 10 वर्ष सेवा भाव से बिना भेदभाव गरीबों का कल्याण किया, नारी शक्ति को सम्मान दिलाया, देश के युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर देने का काम किया और हमारे किसानों को एक बेहतरीन भविष्य के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सहयोग से आज भारत अमृत काल में विकसित भारत बनने के लिए संकल्प, नए संकल्प के साथ खड़ा हुआ है। देश की जनता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए इस चुनाव में बाहर उतरी थी और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार देश की सेवा 24 घंटे सातों दिन 24/7 विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता ने परिश्रम किया है, उसका आज मतदाताओं द्वारा आशीर्वाद भरपूर मिलेगा और देश में पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार, कर्तृत्ववान और देशभक्त सरकार आज स्थापित होगी। मुंबई से आप पहली बार लड़ रहे हैं, कितना कितना लीड दिख रहे हैं आप यहाँ से? अब जनता का निर्णय अब थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। सर, लेकिन कितना सट्टे बाजार की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, कहा गया कि 3 लाख से अधिक मतों जीत आपकी होने वाली है, आप कितना मांग के चल रहे हैं सर, कितना? मैं समझता हूँ थोड़ी देर की बात है, हमने अच्छा चुनाव लड़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे महायुति के सभी घटक दलों ने बहुत मिलजुल कर एक बढ़िया चुनाव, एक ऐसा चुनाव प्रक्रिया जो हर क्षेत्र में हम पहुँचे, चुनावी क्षेत्र में हर व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, कोने कोने तक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चप्पा चप्पा में जाने का हमें सौभाग्य मिला, लोगों के साथ जो वाद विवाद, वाद संवाद, संपर्क हुआ है, उससे अवश्य दिखता है कि अच्छी विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए लोग उतरे हैं और मत जो देंगे वो अवश्य प्रधानमंत्री मोदी जी को और बल देगा देश की सेवा का। एग्जिट पोल में जिस तरह से प्रचारापासून मोठ्या प्रमाणात आव्हानाला सामना जावा लागलं होतं, मराठी वाद आपल्या मतदार संघामध्ये झाला, ये सब आप लोग ने ज्यादा किया। पीयूष गोयल यांची ही प्रतिक्रिया आपण पाहिली, पहिल्यांदाच जनतेच्या दरबारामध्ये थेट जाऊन मतं पीयूष गोयल यांनी मागितली आहेत। केंद्रीय मंत्री राहिलेत, मात्र मोदींचा चेहरा संपूर्ण प्रचारामध्ये पुढे होता आणि आत्ता सुद्धा त्यांची ही प्रतिक्रिया तशीच दिसतीये, त्यामुळे आज काय होते हे बघणं खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे।